यमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र बुरिया में रहने वाली एक युवती को एक युवक ने सलून में नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानकार में किसी ने राहुल नाम के व्यक्ति का नंबर दिया था, उससे बात करने पर उसको सलून नौकरी लगवाने को लेकर बात की तो उसने 2 दिन तक युवती को अपने सलून में ही रखा। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सलून में काम करना है तो गलत काम भी करना पड़ेगा। युवती का कहना है कि जब मैंने गलत काम करने के लिए मना किया तो उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, तब युवती ने उसका विरोध करते हुए उसे अपने आप को बचा लिया। पीड़ित युवती का कहना है कि सलून सेंटर में 10 से 15 लड़कियां काम करती है जहां पर गलत काम किए जाते हैं। पीड़िता ने बताते हुए कहा कि वह किसी तरह सलून से भागकर बाहर निकली और उसका मोबाइल फोन सलून में ही रह गया, लेकिन जब पुलिस का फोन आया तो उसने सारी बात उनको बताई। जांच अधिकारी का कहना है कि हमारी एक महिला पुलिसकर्मी सुबह से ही बुला रही है ताकि कोर्ट में के सामने जाकर बयान दर्ज करा सके। शाहरुख से मैं पहले से ही बात करती थी तो उसने कहा अगर काम पे लगना चाहती है तो मैं लगवा दूंगा। फिर उसने राहुल नाम के लड़के का नंबर दिया था। फिर वो शाम को करीब 5-6 बजे उसने फोन किया तो फिर वो भुड़िया चुंगी पे मेरे को लेने आया था। तो फिर मेरे को उसने कहा कि सैलून का काम है तो वो अपने सैलून पे ले गया था मेरे को राहुल। और तो उसने 1-2 दिन राहुल ने उस सैलून में रखा। फिर उसके बाद उसने कहा स्पा सेंटर में काम करना है मैंने। तो फिर उसने फोर्स भी किया कि गलत काम करना है तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया था जिसकी वजह से मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया है। राहुल ने गलत करने की कोशिश की है लेकिन मैंने होने नहीं दिया है। मैं सर शाहरुख से मैं मतलब बात करती थी तो उसने कहा अगर काम पे लगना चाहती है तो लग जाइए, मैं इसका नंबर दे रहा। तो ये सेक्टर 17 में है, द ब्यूटी क्वीन के नाम से, और स्पा है द ओशियन स्पा। 10-15 लड़कियां वहां काम करती हैं, वहाँ गलत काम होते हैं। क्या सभी से यही काम करवाया जाता? आपने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, किससे बात करने की कोशिश की? मैम कोशिश किया, मैं मोबाइल उन्हीं के पास था मेरा मैम। फिर जब कल फोन परसों मैंने अपना खोला किसी चार्जर से तो फिर जब पुलिस अंकल ने फोन उठाया तो पुलिस अंकल ने बात करी कि मैं पुलिस चौकी में हूँ, इसको भेज दो नहीं तो मैं हम वहीं आ रहे हैं। तो उसके मालिक ने और ये राहुल ने कहा कि ना यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तो मैम हमने झूठा बयान भी दिया था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैम उनके दबाव में आके दिया था कि हम अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि मेरे साथ न्याय हो और जो वहाँ पे आसपास स्पा है वो भी और वो भी स्पा बंद हो। नहीं नहीं ऐसे हमारे पास कोई नहीं है, बल्कि पीड़िता को सुबह से अपना हमारी लेडी ऐसा ही है बलजीत कौर थाने में बुला रही है पीस के अपना कोर्ट में बयान कराए जाने दोबारा से, और लेकिन अभी तक वो पीड़िता अभी तक हमारे पास आई नहीं।